मुझे नहीं मालूम, मैं तो तुम्हारे आने से दो मिनट पहले ही आई हूं। लगता है सर पे भारी कुछ गिरा है। आशा, पानी दो। क्या हो रहा है ये सब? तो पानी की जरूरत है, पानी दो, पानी जा। इतना जल्दी आ, जल्दी आ। और बहुत खून बह रहा है, व्हाट आर वी गोना डू? अभी बुलाते डॉक्टर, कुछ नहीं होगा। क्या कह रहे हो तुम विवाद? हम लोग रियलिटी शो कर रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं हमारे साथ क्या हो रहा है। कोई आ नहीं रहा है हमारी मदद करने, क्यों? कैसे? अभी तक तो किसी को आ जाना चाहिए था। कोई कोई आ क्यों नहीं रहा? एक एक काम करते हैं, हम शो के ऑर्गेनाइजर से हेल्प मांगते हैं। ऐसे ऐसे छोड़ के जाएंगे? ऐसे जाओ, तुम लोग जाओ, मैं हूं यहां। ठीक हो जाएगा बख्तियार, ठीक हो जाएगा। कुछ बता सकते हो कि कैसे हुआ ये सब? क्या करें अब? अब क्या करेंगे हम? जान, तुम एक काम करो, तुम फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढो, तब तक मैं और विवान रियलिटी शो के प्रोड्यूसर से मदद मांगते। अरे भाई साहब, अरे दरवाजा खोलिए, अरे भाई साहब खोलिए। जान 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 जान, दवाई मिली? यहाँ पर कोई दवाई नहीं है। दवाइयाँ नहीं? दरवाजा बंद है, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? अरे भाई साहब, कोई हेल्प करो यार, कोई मदद कर दो, यहाँ पर सिचुएशन बहुत खराब हो गई है। देखिए देखिए प्लीज, देखिए तनाज और बख्तियार की हालत बहुत खराब है, बहुत सीरियस है उनकी हालत। देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज डॉक्टर भेजिए, प्लीज मदद भेजिए आप लोग, प्लीज। एक मिनट, एक मिनट, गौतम गौतम, ये रियलिटी शो है ना, तो यहाँ पर कैमरा जरूर होंगे, हम कैमरा ढूंढ लेते हैं, वो हेल्प कर लेंगे। कैमरा कहाँ? वो देखो, वो कैमरा लगा हुआ है। प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए, जल्दी से कोई अंदर डॉक्टर भेजिए। इसे दूर से पता नहीं चलेगा। एक काम करो, तुम दोनों वहां जाओ, मैं एग्जिट बटन दबाता हूं। जा, चलो चलो। हेलो, अरे कोई है क्या, कोई देख रहा है क्या? अगर आप वहां न रहना चाहें तो उस जगह पर एक रेड बटन लगा हुआ है, उसे दबाते ही कंटेस्टेंट का सफर वहीं पे खत्म। यार ये तो, हेलो, कैमरा ऑन भी नहीं है, ये तो लाइट भी नहीं चल रही है, ये क्या है? ये तो नकली है। अरे क्या ये था? ये कैमरा तो नकली है। क्या मतलब? इसका मतलब ये कोई टीवी रियलिटी शो नहीं है। हम सब फंस चुके हैं, हम सब फंस चुके हैं। हमें बाहर जाना, हमें बाहर जाना, हमें बाहर जाना। नहीं, मुझे बाहर। बात सुनो मेरी, बात सुनो। इधर देखो जान, देखो पैनिक करके कोई फायदा नहीं। जान मेरी तरफ देखो, पैनिक करके कोई फायदा नहीं। देखो जान, बख्तियार की जान खतरे में, ठीक है? हमें हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। चलो Huh?
देखने की कोशिश की, उसने मुझे किसी भारी चीज से मारा और मैं बेहोश हो गई। मैं तो तुम्हारे आने से 2 मिनट पहले ही आई। लगता है सर पे भारी कोई कुछ गिरा है। या तू सरदार के रूम में कौन है? अरे गौतम विवान, तुम लोग को कोई मिला? कोई डॉक्टर मिला या नहीं? अरे किसी से बात हुई कि नहीं? कोई प्रोड्यूसर? आखिर तुमने मुझे बाहर ढूंढ लिया। कैसा लगा मेरा छोटा सा खेल? पहले केतकी को गायब किया, उसके बाद तनाज की अंगूठी भी। बेचारी पे कितना शक किया तुम लोगों ने। बड़ा मजा आया तुम लोगों को आपस में झगड़ते हुए देखना। बड़ा मजा आया। पैसा, पैसों के सामने कुछ भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है इस घर के बाहर कोई तुम्हें देख रहा है? कोई नहीं है इस घर के बाहर, कुछ भी नहीं है। मरोगे, एक एक करके सब मरोगे। प्लीज अभी चलना होगा तनाज। मैं इसके बिना नहीं जी सकती। तनाज हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। चलो चलो यहाँ से। हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो
तुम तनाज को संभालो, हम बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। मैं भक्तिया के बिना नहीं जी सकती। कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां हम सब के सब सेफ रहे। यहां पे बाहर रहना ठीक नहीं होगा। चलो कोई सेफ जगह ढूंढते हैं। उठो तनाज, प्लीज। सब कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? I'm sorry, I can't take it anymore. मैं बाहर जाके रोशनी जी, प्लीज रुक जाइए। ऐसा कुछ मत कीजिए। कम से कम इस दरवाजे के पीछे हम सब साथ में तो हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये दरवाजा उस आत्मा को अंदर आने से रोक सकता है? प्लीज रोशनी, रात को बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। देखो सुबह होते ही हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। प्लीज तो सुबह से कुछ खाया नहीं, इतनी भूख लगी हुई कि विवान भूख तो मुझे भी लगी है, पर इस कमरे में हमें कुछ खाने को नहीं मिलने वाला है। क्या मरने वाले? दो दो खून हो चुके और तुम लोग को खाने की पड़ी है? गौतम, हम में से कोई नहीं बचने वाला है। आशका, आशका संभालो अपने आप। देखो कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा, हमें कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं विवान, कहने के लिए क्यों कह रहे हो? तुम्हें भी अच्छी तरह से पता ना, कल वेयर ट्रैप्ड, हम सब मर जाएंगे। आदमी की परछाई है या आत्मा की? आशका, तू पता नहीं चल रहा। दरवाजा खोलो, वो मुझे मारने आया है। मेरी बारी अब, उसे अंदर आने दो। वो मुझे मारने आया है। कोई तुम्हें लेने नहीं आ रहा है, ओके? इट्स ओके, इट्स ओके। गौतम, कोई हमारी मदद करने आया। आशका, अगर वो हमारी मदद करने आता तो वो हमारा नाम पुकारता।
ऐसे परछाई बनकर कमरे के बाहर नहीं घूमता वो। एग्जैक्टली हवेली में आकर सबसे बड़ी गलती की है। मैं सालों से यहां की रखवाली कर रहा हूं, मेरे सिवा यहां और कोई नहीं रह सकता। देखिए हम सबको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता था। हम तो बस अभी अभी यहीं से जा रहे थे। क्यों गाइस, देखिए हम वापस कभी यहां पे नहीं आएंगे। बस आप हमें यहां से जाने दीजिए। मेरा पति को मारो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये तो वही गुफा जहां से हम अंदर आए थे। चलो अरे ये जगह छोटे होते सर, ये नैरो होता जा रहा टनल। साथ में चलो, सब लोग साथ में चलो। ये टनल जाता कहाँ है? एक मिनट, वहां रोशनी की किरण नजर आ रही है। इसका मतलब हम बाहर निकलने वाले हैं। इस पार तो होटल था जहां से हम अंदर आए थे। ये क्या है? गाइस हवेली कहाँ गए? ये कहाँ आ गए हम? मुझे लगा था कि इस दरवाजे से निकल के हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगे, पर ये तो एक नई शुरुआत लगती है।
कैसी जगह है ये, और ये कैसा रियलिटी शो है? कहाँ गए सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कैमरामैन, कहाँ है पूरा क्रू? क्या हो रहा है हमारे साथ ये? क्या पता ये शो भी है या सिर्फ हमें फंसाने की साजिश? इसका जवाब यहाँ से निकलने के बाद ही पता चलेगा। हम सब ठीक हैं, एक साथ हैं, यही काफी है। यहाँ कोई किसी को रास्ता नजर आ रहा है? नहीं ना, बस चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। आखिर कब नजर आएगा रास्ता? जान, यहाँ पे दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा। आगे बढ़ने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं, तो चुप करके चलो। तो थोड़ी देर यहीं रुक जाते हैं ना, कब से चल रहे हैं? गौतम, शायद ये ठीक कह रही है, थोड़ी देर रुक जाते हैं। ठीक है, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग यहीं पे रुको, मैं बाहर निकलने का रास्ता ढूंढूंगा। चल, मैं तेरे साथ चलता। नहीं, माना कि ये जंगल सुरक्षित है, लेकिन अगर कुछ हो गया तो, आई मीन, जान, मैं और रोशनी अकेले हैं। आज का ठीक कह रही है, तू यहीं रुक, मैं ढूंढ के आता हूँ। गॉड, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, कुछ भी नहीं खाया। मैं जाके चेक करके आती हूँ, शायद कोई फल या कुछ मिल जाए। ज़्यादा दूर मत जाना। हाँ हाँ। कोई है यहाँ? कोई है यहाँ? कोई है? कोई है यहाँ? हेलो, गॉड, कैसे पेड़ है यहाँ पे? यहाँ तो एक भी फल नहीं दिख रहा। भूख लग रही है। क्या खाएंगे हम? किसी इंसान ने बनाए होंगे, मतलब आसपास बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता। सुनो भैया, अरे सुनिए, एक मिनट भैया, सुनिए, रुकिए भैया, रुकिए भैया, प्लीज। बाहर का रास्ता किस तरफ से जाऊं बाहर?
इतना टाइम हो गया अभी तक रोशनी वापस नहीं आई, जाके उसे ढूंढ ले के। नहीं, मैं तो चल चल के थक गई हूँ। अरे ऐसे कैसे उसे छोड़ दें यहाँ पर, एक तो ना कोई रास्ता है ना कोई इंसान, जाना पड़ेगा हमें। इस जगह को देख के लगता नहीं किसी इंसान ने कभी यहाँ पैर रखा हो। जिस प्रे के यहाँ कोई जानवर नहीं है। मिल गया रास्ता। विवान, ए विवान, क्या हुआ? कोई मिल गया क्या? कोई मिला नहीं, पर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। यस, चल चल निकलते हैं। लेट्स गो। रोशनी कहाँ है? आप हाँ? वो तो खाने के लिए ढूंढने गई थी। अकेले? हाँ, मैंने उसे समझाया था ज्यादा। तूने अकेले क्यों जाने दिया यार उसको? अरे मैं क्या करूँ? अरे बोलना था ना रुकने के लिए। रोशनी जी, यहाँ रास्ता मिला है और उसे सारे फ्रूट्स लेने अभी जाना था। अश्का, अभी उसे हमारी आवाज नहीं पहुंच रही होगी, ज्यादा दूर चली गई होगी। अब रोशनी, रोशनी वापिस आ जाओ। रोशनी जी किसी मुसीबत में तो नहीं होगी? शायद बाहर निकलने का रास्ता भूल गई। इतने बड़े जंगल में कहाँ ढूंढेंगे उसे कहते? लेकिन हम उन्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हाँ तो यहाँ इंतजार करते हैं, आ जाएगी अपने। अगर वो तुम गई हो तो कैसे आ जाएगी अपने? ये एक जंगल है जहाँ पे खतरनाक जानवर भी हो सकते हैं। हमें उसे ढूंढने जाना ही होगा बस। मैं थक चुकी हूँ, मैं उसे ढूंढने यहाँ वहाँ नहीं जा रही। यहाँ रास्ता कितना लंबा है खुद नहीं पता। हम उसे यहाँ पे अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। What is this, Gautam? जब से तुम इस शो में आए हो तब से तुम्हें सिर्फ उसकी चिंता लगी हुई है। उसकी गलती की सजा हम लोग क्यों भुगते? और रास्ते में मुझे कुछ हो गया तो? That's not a problem. मैं कहीं नहीं जा रही, तुम्हें जाना है ना, जाओ। ए यार, तुम लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? आज का तुम्हें कुछ नहीं। देख, तुम तीनों एक काम करो, वो रास्ता सीधा जाता है, सीधे जाके राइट लेना, वहां पे पेड़ पे कुछ निशान बने, वो तुम्हें बाहर तक ले जाएंगे। रोशनी को अकेले ढूंढूंगा। गौतम, गौतम भाई रुको, मैं भी साथ में चलता हूँ। रोशनी जी को कुछ नहीं होगा। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है वो हमें जरूर मिल जाएगी। रोशनी जी! अकेले इतने बड़े जंगल में कहाँ गई होगी? तुम लोगों ने उसे अकेले जाने क्यों दिया? रोशनी जी! क्या है?
जहांपुर मर चुका है और उसकी लाश बड़े बड़े सड़ चुकी है और उसे कोई बचाने तक नहीं आया। ये जंगल बहुत खतरनाक है गौतम भाई। यहाँ कैसे गिरा होगा? लगता है वो किसी मुसीबत में। थैंक गॉड बाहर निकलने का कोई रास्ता तो मिला। आई होप उनको रोशनी तो मिल गई होगी। चलो यार यहाँ से निकल जाए। उसने आगे जाके राइट कहा था ना? राइट मैं यहाँ से नहीं जा रही। अब ना कोई आशा, लेकिन यही रास्ता है। अब जाना ही पड़ेगा। वो जाके आया था ना वहाँ। आशा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। चलो कुछ नहीं होगा। चलो मैं हूँ तुम्हारे साथ। कम बड़े निशान ये किसके हो सकते हैं? यहाँ पे बड़े पैरों के निशान तो खत्म हो गए और ये घसीटने के निशान किसके हैं? भगवान ना करे ये घसीटने के पीछे हम रोशनी के हो। मगर अगर ये हैं तो हमें इन्हें फॉलो करना होगा। अगर हमें रोशनी को ढूंढना है तो चल। पूरे जंगल में घूम फिर के वापस वही समंदर पे आ गए। बात समझ में आई? टापू है, आइलैंड। ये पूरा आइलैंड है। एक मुसीबत से पीछे छूटा नहीं कि दूसरी में फंस गए। ये सब छोड़ो, अभी रोशनी को ढूंढा। चल तो घसीटने के निशान भी नहीं है। फिर कहाँ चली गई रोशनी जी? गायब भी नहीं हो सकती, फिर कहाँ चली गई होगी? कुछ ना कुछ तो होगा। ये खून के निशान तो यहाँ पर आके खत्म हो गए। पानी कहीं ऐसा तो नहीं रोशनी जी? गौतम रोशनी मिली? गौतम रोशनी कहाँ है? उसका वो घड़ा मिला था मुझे जंगल में।
बाप, कुछ निशान थे जिसे जिसे फॉलो करते हुए हम यहां तक आए और उसके बाद निशान? कैसे निशान? वो बड़े अजीब से निशान थे, ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंगली जानवर के निशान होंगे। जंगली निशान? जानवर के निशान क्या? लेकिन वो यानी कि जानवर ने रोशनी को पानी में, हाँ रोशनी जी भी हमें छोड़कर चली गई। रोशनी नहीं रहे, रोशनी नहीं रहे, वहां अंदर कोई जानवर है, अजीब अजीब चीजें, विमान नहीं बचने वाले ना। अजीब अजीब सी चीजें? हाँ जान, रास्ते से जब हम आ रहे थे वहां पर अजीब अजीब शक्लें बनी हुई है, अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही है, यहाँ पर रोशनी पानी में कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? ऐसा लग रहा है जैसे कोई आत्मा खींच रही है हमें। इस बार हम बड़े खतरे में, कोई नहीं बचेगा। गौतम क्या हुआ? रस्सी नहीं खुल रही यार, जल्दी खोलो। आशिका कमर, क्या हुआ? चलो ना, एक काम कर, आशिका को बैठा जल्दी। अरे आशिका, आशिका, आशिका जल्दी चलो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, चलो। समंदर में अजीब शक्तियां, इस जंगल में आत्माएं, हम लोग नहीं बचेंगे ना विवाद, कोई बचने का रास्ता नजर नहीं आता। आशिका, आशिका सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम वहां से बच के निकल गए थे ना, यहां भी कुछ कुछ ना कुछ करके निकल जाएंगे। हाँ चल आ जाओ। वो देखो शायद लालटेन है, अगर लालटेन चल रही है तो वहां पर लोग भी होंगे। चलो जल्दी चलो।
किसी पे भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है, तो ध्यान से चल। इसका मतलब यहाँ पे लोग ट्रेकिंग करने आए, शायद अभी तक लौटे नहीं हैं। वे काम करते हैं, बॉनफायर शुरू कर देते हैं। वैसे भी मुझे नहीं लगता उनको प्रॉब्लम होगी अगर हम यहाँ रुक गए थोड़ी देर में। जानवर वानवर आएंगे ना तो बॉनफायर शुरू कर देते हैं। टेंट में खाना तो नहीं था, शुक्र है माचिस तो छोड़ के है। आज रात यहीं रुक जाते हैं, वो जो भी होंगे उन्हें हम समझा देंगे, उन्हें बता देंगे हमारे साथ क्या क्या हुआ है। आई एम श्योर दे वोंट माइंड। और यहाँ बॉनफायर भी है, जानवर नहीं आएंगे। तो पूरी कोशिश की थी ना, अभी उस पानी में आत्मा थी, हम नहीं लड़ पाए उसके साथ। रोशनी और जान दोनों को निगल गई है। अब हम करते तो क्या करते, इसमें हमारी क्या गलती है? हम अपनी लालच की वजह से फंसे, 5 करोड़ रुपए की लालच की वजह से। अगर मुझे 1% भी हिंट होता इस पैसे की वजह से हमारी ये हालत होगी तो। मैंने कभी भूत प्रेत आत्मा पर विश्वास नहीं किया, पर आज जब पहली बार अपनी आंखों के सामने समझ नहीं आ रहा है कि क्या सच है और क्या झूठ। कोई आ रहा है हमारी तरफ, ये वो ही तो नहीं। आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।